सर, अगर हम बाइंग शुरू करेंगे तो क्या मुझे आज आप कोई एक शेयर बता सकते हैं या कुछ एक दो शेयर्स बता सकते हैं जिसमें कि हम भले ही आज नहीं भी खरीदें तो भी हम नजर रखें और जैसे ही मौका मिले तब खरीदें। ओके तो एक शेयर है गोवा कार्बन, जिस पे मेरी नजर है, और इनफैक्ट थोड़ा सा क्वांटिटी, बहुत बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी आज मैंने लिया है, और अगर चांस मिलेगा तो और भी लेंगे इसको। तो 482 में चल रहा है ये, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर था ये पिछले हफ्ते। इनफैक्ट ये भी न्यूज रिपोर्ट आ रही थी कि डॉली खन्ना, जो काफी फेमस इन्वेस्टर है, उन्होंने इसमें स्टेक भी बढ़ाया है। इस रेट्स पे वैल्यूएशन मुझे बहुत चीप लग रहा है। तो ये अगर 482, 487, मतलब इस रेंज में, 485 रेंज में, 480-485 रेंज में अगर मिलता है तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी 550, 580 रेंज में वापस हम लोग को बेचने के लिए भी मिलेगा चांस। तो इस पे एक नजर रखिए। और दूसरा काउंटर, इतना गिरने के बाद, ये लार्ज कैप है, इतना गिरने के बाद मुझे तो HDFC बैंक अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये माना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्टली होने वाला है, लेकिन ये सब कॉर्पोरेट्स के लिए होगा, और जो जो डेट फ्री कॉर्पोरेट्स है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनको ब्याज देने का तो सवाल है ही नहीं, क्योंकि डेट है नहीं। तो HDFC बैंक टाइप्स जो अभी 1316 चल रहा है, इस रेट में आपको ध्यान होगा, जब ये मर्जर अनाउंस हुआ था तब मैंने कहा था कि 1800 रेट में हम लोग ने एग्जिट मारा है बैंक से, और अब ये एंट्री पॉइंट है, ये समझता हूँ मैं। और अगर मीडियम टर्म के लिए आप लेके रखते हो तो ये 1300 के आजू बाजू ले लो, तो आपको 1500 वापस मिल सकता है। ठीक है, तो ये दो शेयर्स, गोवा कार्बन और HDFC बैंक, इस गिरावट में बाजार के अंदर में एक मौके की तरह देख रहे हैं। विवेक सर, उन्होंने लेवल्स बता दिए कहाँ पे खरीदारी करनी है, तो किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज देखनी होंगी, और ये बाजार अपॉर्चुनिटीज देगा और उसके अंदर में आप मुनाफा कमा सकते हैं, किस तरीके से वो बताते चल रहे हैं।